हेलो भाई, अरुण पवार इंड्री आपका स्वागत करता है एक और अपनी नई वीडियो में। यहाँ पे इस जॉन डियर का हाल देखो, ये भाई किसी काम का है नहीं है, ये किसी काम का है या नहीं है? देख, खेत इससे जुतता नहीं, जब ईंटें इससे मंगाई है वो इससे होता नहीं, क्या करेगा ये अपनी जिंदगी में? हाँ देखो, बैठ गया यार, पर इसमें इसकी भी क्या गलती बेचारा, लेकिन बैठ गए तो उसको निकालना चाहिए ना, ना आगे जाता ना पीछे जाता। देखना, ये खलनी चाहिए थी आगे जाके, और यहाँ पे देखो कैसी मजबूरी अटक गई, ईंटें मंगाई हैं इतनी सारी, 3000 ईंट है ना, तीन भी इसके बस की नहीं है झेलना। और अब देखना भाई, न्यू हॉलैंड न्यू ट्रैक्टर आएगा वो इसको खींचेगा, बताओ यार, वरना इसके बस की है ही नहीं कि अपने दम पे यहाँ से निकल ले। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ईंटें हैं जो खलाई जा रही हैं अभी, लेकिन जितनी खल पाई बहुत है, अब इसको निकाल के और ट्राई करेंगे कि इधर उधर कहीं पे हो जाए। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रोग्रेस चल रही है यहाँ की, देख सकते हो जोरों शोरों से काम यहाँ पे चालू है। तो अभी देखिए यहाँ पे लगाया जा रहा है भाई दूसरा ट्रैक्टर, उसकी मदद से ये निकाला जाएगा। जैसे वैसे थार भी निकाल सकती थी इसको, पर ये लोग थार को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये बड़ा ट्रैक्टर लेके आया है पड़ोसियों का, न्यू हॉलैंड और जॉन डियर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओ वाह, टू फोन्स देख रहे हो भाई, अमीरी दिनेश दो फोन रखता है अपने पास, रिच बॉय। चलो, कोई काम का नहीं है भाई ये ट्रैक्टर, कभी थार से खुसता है कभी न्यू हॉलैंड से। देखो कैसे ऑडियंस देख रही है, देखो यार बताओ, हद हो गई। चलो ओ! बस 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 बस, देखो कैसे आगे से अदर हो जाता है। खैर यहाँ पे क्या है ना, गोबर पड़ा रहता था तो वो उसमें दब गई। क्या निकालू, पीछे ले पीछे पीछे ले, बस। लेकिन भाई ये गड्ढा भी बहुत गहरा हो गया था, ये देखिए आप, देखो यार, हटो लिया। अब इस बार डायरेक्शन चेंज होगी तो ये अंदर इसको घुसा देंगे, सॉलिड जगह है। बस दिनेश को एज अ ड्राइवर फेल कर दिया गया है। दिनेश की शक्ल देखिए, छोटा मुंह हो गया इसका। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। चल अब इसका जैक हटे, जैक ऊपर होगा और ये हो जाएगी। अब ईटों की बात करें तो भाई बड़ी महंगी हो गई है यार, हमारे फार्म पे ये 5200-5300 आया करती थी वो उस टाइम पे, दो चार चार कितने महीने होंगे, 6 महीने मान लेते हैं। और आज के टाइम में भाई 6300-6700 की आ रही है, 1000 रुपये फर्क, बताओ यार। एक मतलब इसका मेरे कहने का मतलब है कि एक ईंट है, मतलब 1000 ईंट है कितने की, 6300-6700 की, तो 1800-900 का एक चक्कर आता है, जिसमें से 3 चक्कर तो ऑलरेडी आ चुके हैं भाई। बड़ी महंगाई है यार, टाइम के साथ साथ ऐसे बढ़ती जा रही है, क्या करें यार। ये देखो ये बना रहे थे ये लोग कुंडा, अब यहाँ पे पानी के लिए तो कुछ है नहीं स्टोरेज टैंक, इसलिए इन्होंने बनाया। वाओ खल गया है, खिलाते भाई आगे ले आगे। देखो यार ये ऐसे हो जाता है, खामा का मेहनत करवा दी खामा खा, बस सारी लेबर बैठी है, ईंट नहीं आई, ईंट नहीं आई। देखो यार 12-17 हो गए, हद है यार, 12-17 हो गए, 12:15 लेबर नहीं भर रही है, नहीं भर गई थी। वाह वाह, अब आ जाओ देखते हैं क्या बना दिया लेबर ने। ये देखो, अरे यहाँ पे तो लेडीज मिस्त्री भी हैं क्या इधर? अरे भाई हम तो पहली बार देख रहे हैं ऐसे मिस्त्री। देखो भाई नीम भर चुकी है, ये DPC हो चुकी है, ये देखो ये रूम्स है भाई, ये रूम्स है, मल्टीपल रूम्स है ये, जिसमें ऐसे रेंटेड पर रूम जो आप वो वाली बात है। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रूम बन रहे हैं, मेरे ख्याल से 8 कमरे बन रहे हैं, 8 कमरे बनेंगे। और उसके साथ क्वाट बिल्कुल भाई बिल्कुल है, तेरा फोन है कि इनमें से? देखो भाई इसका पसीना, देखो भाई लाल हो गया लड़का पूरा। बच गया भाई, नुकसान है, दिखाते ना, खत्म तो कर रखा है। हाँ चल रहा है, ये देख पूरा खत्म है,
पूरा चल रहा है, चल रहा है। शीशे की तो बात है, ये अनलिमिटेड पीछे घूम के दिखा, इस पे मैं बात नहीं लिख रहा क्या? अरे इस पे नहीं लिख रहा, वरना इसकी हर इस वो लिखा रहता है भाई मेवात। भाई लेबर बहुत खींच के काम कर रही है, एक दो दिन में देख कितना काम कर दिया। और ये भाई इसका बेस है जो डीपीसी होती है, हाँ इसमें क्या है अब भर के ऊपर उठने लग जाएगा। चलो खींच के करो काम, खींच के करो गाइस, अरे ढिल्ले मत पड़ो। ओके हाँ खींच के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दबा के होना चाहिए। ये देखो भाई हमारे मिस्त्रियों का यहाँ पे स्टाइल देखिए, कहाँ से करवाया ये स्टाइल? ये वाला एमपीसी करवा के आए हो? यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ऐसा नाई, कोई मिल जाएगा जरूरी है भाई। ये सब भी स्टाइल स्टाइल ना पता मार्केट में जरूरी होना चाहिए भाई, क्योंकि वो आपकी पर्सनलिटी के बारे में बहुत कुछ डिफाइन करता है। आप कैसे दिखते हो, आप क्या काम करते हो भाई, मैं ना पूरी मेरी कभी। यहाँ पे दोनों ट्रैक्टर हमारे जा चुके हैं, अब यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्योंकि सब माल आ चुका है और उसके बाद दोनों जा चुके हैं। बाकी ये देखो भाई, ये यहाँ पे रहेगा मेन गेट अपना, जो पहले घर पे लगा हुआ था उसको यहाँ पे लगवा देंगे। चलो वैसे दो गेट हैं यहाँ पे, एक ये लगा हुआ है ऑलरेडी, जब लीजिए तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है यार ये, और बिटोड़े वगैरह उपला, मतलब ये पहले ऐसे यूज़ नहीं होती थी, ऐसे ही मतलब ऐसे नॉर्मल कामों के लिए यूज़ होती थी। तो हमने सोचा क्या फ़ायदा अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बनाए जाओ ना, जो चीज़ अपने को कमा के दे। FD बैंक में रखते हैं हम, कुछ क्या रिटर्न मिलता है आजकल, 3-4% भी नहीं देते भाई। अब ये अपना आ जाया करेगा यहाँ से 12-13 हज़ार रुपये आराम से। इतना कौन सा बैंक अपने को सेविंग में रख लो, कौन सा अकाउंट FD में रख लो, कोई नहीं देता भाई इतने हर महीने का हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपना तैयार हो गया है, और घर के बहुत ही नज़दीक है, मतलब ये मेन गली अपनी, ये वो है, ये रहा अपना घर। ये देखो अब आप खुद देखो कितनी दूर है, कुछ नहीं है, बढ़िया जगह मिल गया अपना। ये भी अपना ही है, इसमें ऑलरेडी रहते ही हैं, ये वाला किराएदार। ये देखो वैसे आ गया, आ चलो थोड़ा को दिनेश से मिलवा के आता हूँ। दिनेश की लेडीज, ओ मदर लेडी मदर, ये इनका जॉन डियर जो भी बेचती करवा के आया है। अरे कहाँ गया, कहाँ गया यू? डंडी क्या होती है, डेट इज कॉल्ड लकड़ी, डंडी इज नथिंग। अरे किधर है, ये देखो दिनेश पवार का घर, कितनी सारी भैंसे रखता है ये, दो भैंस है इनकी कुल दो भैंस। कहाँ है बता, क्या कर रहा है? कुछ ना भाई, दिनेश का घर दिखा रहा हूँ आज। कैसे दिनेश का घर कितना अच्छा है, मेरे घर का आदि है किसी को नहीं दिखा रहा। दो थैला है, मैं बोरिया कोई है ही ना, बोरिया लेके कहाँ आ रहे हो बताओ यार, बोरिया क्या वाटर दार हम बोरिया लगना है। अरे नहीं यार, टाइम आने पे आ जाएगी, अभी तो अपन की उम्र ही क्या है, ओनली 22 इयर्स ओल्ड ना पा भाई। अरे यार पर अभी डंडी है बैठने की, हाँ अब वे छोटी पर की वे उल्टी फेर के और वे नहीं लेनी बड़ी। अरे कितना दुख है यार, जिंदगी में मिल ही नहीं रहा। ये ऐसा दिनेश का घर है भाई, देख रहे हो, दिनेश इज सो रिच मैन बाय हार्ट, ऑल्सो वेल्दी हेल्दी। ये इसका ट्रैक्टर रहा जोन जर 50-36D, दो दो बाइक रखता है लड़का, अपाचे और ये, लेकिन इसके अपाचे में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तेरी अपाचे में तो दिक्कत ना आई जैसी हमारी में आ रही है। हाँ बताओ, इसमें तो देख सारा मीटर भी चलता है, लाइट चलती है, इंडिकेटर चलती है, बिना बैटरी के हाँ। खाली खिंच मारो हाँ। चल सारी चीज चले, बिना बैटरी के ना चलेगी ये ना कोई भी इंडिकेटर ना, जैसे देख अब चाबी ऑन ऑन करते हमारी तो यार कुछ नहीं चलता यार। चलो हम तो वापस पैसे लाएंगे और दूसरी गाड़ी इलाज करूंगा मैं, नहीं है हम पे और ज्यादा टाइम है। हाँ बाकी आकाश और अब हमारे घर में जो एक और गाड़ी खड़ी जो पहले मॉडल निकाल ली वो बढ़िया लेकर की वो वही बहुत है, अब अभी से ही ले ही ले ले यार। हाँ हमें ना चाहिए। हाँ पेंटर तो लग रखे हैं घर पे, और एक और चीज आपको दिखाता हूँ, लग याद दिला दिया। चलो लेट्स गो, पेंटर आ गए हमारे घर पे, पेंटर चल रहा है यार, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा हम लोग सामान लेके आए थे, तो अब इसको पेंटर करवाएंगे ऊपर। हाँ हाँ अरे यार क्या कर रहा है ये, जाने देगा नहीं जाने देगा। हाँ तू बात कर एक बार, बात किससे है,
डीजे वाले थे कैसा तन्ना कही बात 35 की चलो मैं करता हूँ उससे बात। हाँ हाँ करूंगा रुक जा। हाँ 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 करना हूँ। हाँ आज के चक्कर में ले दूंगा मैं तेरे 300 रुपये कर दूँगा। हाँ कर रहा हूँ तो भाई चल। अरे मैं क्या दिखा रहा था, कुछ तो दिखा रहा था पेंटर। हाँ कर रहा हूँ। अरे यार एक डीजे वाला है मान नहीं रहा, कह रहे हैं कर ले अच्छे प्राइस पे, लेकिन भाई बहुत आबा के बाबा रेट बोल रहा है यार। 50,000 रुपए के डीजे होते हैं क्या ये? देखो सारा सामान हमने उतार लिया, दिखा देता हूँ चलो आपको चल के। ये एन खड़ी अपनी मस्त, मतलब 50,000 रुपए का डीजे होता है कोई? और भाई सामान पूरा कैसे बिखरा पड़ा है। ओहो सबसे पहले कांच का रूम पेंट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो क्यों हो रहा है। बढ़िया है ओके। अब क्या करोगे छत के बाद? दीवार करोगे? अबे भाई दीवार करने वाले हैं। ये देखो सबसे पहले कांच का रूम हो रहा है भाई, अब आप समझ सकते हो क्यों ही हो रहा होगा और कितना कचरा है। और एक और चीज़ आपको सरप्राइज दूँ, मैंने अपने रूम में देखो क्या करवा लिया भाई, ये वाली प्लाई लगवा ली मैंने भी, ये चमकती है। अगर ऐसे गौर से देखो ना, ऐसे गोल्डन सा ये देखो, बहुत मस्त लगती है रियल लाइफ में। पता नहीं आपको कैसी लग रही है, नहीं लग रही अच्छी लग रही है, नहीं लग रही पता नहीं यार। ये भी रुको मैं जलाता हूँ बट ये देखो, ये बताओ कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है। और इसमें इसी के शेड का सा पेंट मैं भी करवा लूंगा, पहले पेंट नहीं करवाया था ना, पुट्टी करवा के छोड़ दिया था वो सफेद का प्राइमर मरवा के, लेकिन अभी पेंटर यार एक महीना ले लेंगे पूरे घर को चमकाने में। थोड़ा घर का थोड़ा एरिया बड़ा सा यार ऊपर भी है ना। तो यही आज के लिए इतनी लेंथ की वीडियो, बहुत है भाई बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी। कल मिलते हैं भाइयों से। अभी आकाश और अभय भाई एक बारात में जा रहे हैं आज, मेरे को नहीं लेके जा रहे यार, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 2-3 दिन से थोड़ा सा मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए देखो जेब में लेके घूम रहा हूँ अपनी गोलियाँ भी मैं। देखो भाई कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाती है, 3 लेनी पड़ती है, मैं कहीं और निकल जाऊँ फिर गोलियों को स्किप नहीं कर सकते, ठीक होना है फिर काम धंधा देखना है, इसलिए एक दिन स्किप भी हो गई 3 इंटरवल पे वीडियो। कोई नहीं भाई, तो लाइफ चलता रहता है। वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।